गाइस आपने देखा होगा कि जब भी आसमान में बिजली कड़कती है तो उसके एक ही सेकंड बाद एक आवाज भी आती है। आपने कभी सोचा है कि ये आवाज किस वजह से होती है? गाइस बारिश या तूफान के वक्त बिजली कड़कना काफी आम होता है। आपने देखा होगा कि पहले आकाश में एक लाइट चमकती है और उस लाइट के चमकने के बाद एक तेज आवाज आती है, इसे बिजली गरजना कहा जाता है। तो आपने कभी सोचा है कि आखिर आकाश में ये बिजली कहाँ से आती है और फिर ये इतनी तेज जो आवाज होती है वो किस चीज की होती है? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। गाइस बादल में रगड़ की वजह से विपरीत इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा होता है और ये जब चार्ज बादल या दूसरे बादल के बीच डिस्चार्ज होता है तो ये बिजली पैदा होती है। वहीं बादलों से जमीन पर बिजली तब गिरती है जब उनके बीच इलेक्ट्रिक चार्ज का आदान प्रदान होता है। गाइस दोनों ही तरह की बिजली की गति काफी तेज होती है। माना जाता है कि इसकी गति करीब 1,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से होती है, यानी एक प्रकाशवर्ष से थोड़ी कम मगर वैसी ही बहुत तेज होती है। गाइस इससे होता क्या है कि बिजली की रेखा के आसपास की हवा कुछ ही देर में 20,000 से 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाती है। इतनी गर्म होती है कि विस्फोट की तरह फैलती है और इससे एक झटके वाली तरंगें पैदा होती हैं और ये सभी दिशाओं में फैल जाती हैं। गाइस ये जो तरंगें होती हैं यही आवाज का कारण होती हैं। ये तरंगें ही हमें गरजने के रूप में सुनाई देती हैं। इसकी ध्वनि की स्पीड 340 मीटर प्रति सेकंड की होती है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिजली कितनी दूर गिरी है। गाइस आपको इस बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।